हाँ जी अच्छा अच्छा दूसरे कतरे हैं जो उल्टी माशाल्लाह इस्तेहाना पुत्र आ गई है अंदर। और ये क्या उठाया हुआ है? ये सारे टुकड़े उठा लिए। क्या बना रही हो? गिंदोली। किसके लिए? किसके लिए बताओ? अपने बेबी के लिए। अच्छा व्लॉग शुरू करो, सलाम करो। माशाल्लाह तो व्लॉग जो शुरू हो गया है, इस्तेहाना बना रहे हैं अपने बेबी के लिए एक गिंदोली। तो ये आपने सुई तो ली नहीं है? सुई कहाँ है ऐसे जो त्रोपा लगाओगी? आप ऐसे बनाओगी? अच्छा ये इस्तेहाना ऐसे बनाएगी। ये देखें, ये भी रखा हुआ है और ये भी रखा हुआ है और ये सारे एक साथ। तो अम्मी जान भी माशाल्लाह इधर ही बैठी हैं और ये देखें बना रही हैं। इस्तेहाना ने अम्मी को देख कर बनाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह सुनाए अम्मी जान, ठीक ठाक हैं? आ गई हो घास से? माशाल्लाह माशाल्लाह घास करके या खाली? घास करके के खाली क्यों? अभी हम थोड़ा करते हैं, ज्यादा नहीं करते। गाय जो है वो कपाल में चलती हैं। हाँ जी, बाकी जो घर में बकरियां बीमार हैं वो भी घर में है, तो एक बछड़ा भी, तो उनके लिए थोड़ा ले आते हैं। अच्छा अच्छा, फिर गंदम बेच लेंगे ना हर कोई? अच्छा अच्छा, फिर जो बीजेंगे घास फिर बाद में जब वो होगा तो फिर हाँ तोड़ी डालेंगे फिर। सही है, सलाम कर लो। आपका व्लॉग शुरू कर दिया है मैंने, तो आपने जो है अच्छा सा व्लॉग बनाना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं, माशाल्लाह सारे ठीक ठाक हैं। बेबी जो है, बेबी माशाल्लाह ठीक है। हाँ जी, अभी मैं बेबी के लिए बना रही हूँ। ये ना कपड़ों पे होते हैं ना कूले कूले, अपना गंदोले बोलते हैं। हाँ जी जी, वो ये बना रही हूँ ना, ये वो तो गर्म कपड़े तो लेंगे, कम्बल वगैरह और वो बच्चों के होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा सही है। तो देखें जी, हाँ अम्मी जान ये बना रही हैं। ये पहले जब सोबिया कौसर भी बना रही होती थी, न्यू कपड़े देने आम बनाए ना छोटे छोटे टुकड़े वाले। हाँ जी, खूबसूरत बनते हैं होते, वो उन्हें वो तक बनाए। और दूसरे जो होते हैं ना ये तल नीचे वाले, वो मैं बना रही हूँ। अच्छा, बना के उनको दोनों को मिल के अपना तक बनाएंगे। हाँ जी, फिर सिलाई करेंगे, फिर बन जाएंगे खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत से बनाए। और जब चक्कर लगे ना शहर, तो वो भी ले आना दूसरे वाले। हाँ शहर जाना है ना, अभी कुछ कंबल वगैरह लेने हैं, कपड़े लेने, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की पहले, जब वो हम जो ना बेबी की शॉपिंग तकड़ी करनी है। हाँ जी, चीज लेनी है ना। जी जी, कर ले आएंगे इंशाल्लाह। जाली भी लेनी है उनके वास्ते। हाँ, मच्छरदानी वाली। हाँ जी, कंबल भी लेने हैं ना, तो जो ना ठंड होती है। हाँ जी, तो कपड़े वगैरह भी लेने हैं बच्चों के लिए, तो माशाल्लाह जितना ही कपड़े हो ना उतना ही काम होते हैं। हाँ जी, जरूरत होती है। और वो खुशी का दिन जो रखेंगे वो कब रख रहे हैं फिर? वो देर है अभी। भी देर है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, किस तरह ना बता रही है, कब रखेंगे? रखें तो इस महीने में, तो जरा कोई हफ्ता दस दिन देर है, क्योंकि हमारे आने वाले मेहमान जो है ना वो कुछ मसरूफ़ हैं। हाँ। तो उन्होंने ही दिन फिक्स करने हैं, उन्होंने ही कुछ करना है। हाँ जी। तो वो जब आएंगे तो तब देखना। तो सही है, अभी उसको देखा है, सोया हुआ है अभी? अभी होने आवाज़ आ रही थी रोने की, पता नहीं, जब पहले तो मैं देख के आई हूँ तो अभी सोया हुआ था। रात जो है ना सुकून नहीं किया, रात रोंदा रहे। अच्छा, तो अभी मैं घास निकाल के आई, फिर मैं रेस्ट किया थोड़ी देर, फिर मैं गई, मैं देखा बेबी को उठाऊं थकेड़ा लाऊं, फिर वो जो मैं गई तो वो सो रहा था। अच्छा अच्छा, अभी मैं नहीं उठाया।
तो चलें देखने, इरफान मेरे ख्याल से दवाई भी लेके आ गया है। हाँ जी। तो वो भी देखते हैं और दूसरा फ्रूट वगैरह लेके आए। दूध वगैरह पीते है ना वो बहुतने वाला। हाँ। वो थोड़ा सा बोझ बन गया थे वो, फिर इसलिए मैंने वो पत्रे मिलते हैं बच्चों के लिए। हाँ जी। जो हाजमा हो जाते तो सही वगैरह सुकून की घुटी ऐसे जो होंगे ना बच्चों की घुटियाँ और मारो। हाँ हाँ। चलो तो चल कर उधर दिखाते हैं फिर। तियाना जाना चाहोगी? किधर किधर? बेबी के पास। मजे का बेबी है तियाना? है तियाना मजे का है? उसकी तवज्जो जकिया की तरफ हो गई है। वो बैठी है जकिया ना जो समिया के कमीज है ना। हाँ। सौड़े हो गए उसको। अच्छा। पूरा भी नहीं आते। अच्छा। इसलिए ना वो ये साइडे वाला ना वो पट्टियाँ धोड़ रही है। हाँ। तो फिर खुले करेंगे मशीन पे तोपा लगाएंगे खुले हो जाएंगे। हाँ जी। बैठे बैठे ना माशाल्लाह खा पी रही है ना मोटी होती तो जा रही है। जा अब वो वाले कपड़े पूरे नहीं आते। इस ना आप भी मोटी हो रही हो। एक सूट न्यू सीता हुआ ना उसे फोन पूरा भी नहीं आया हुआ इस्तियाना ने पाले गरम सूट। हाँ जी चलो सही है। और कपड़े ले लेंगे समिया के लिए बड़े वाले खुले खुले। माशाल्लाह अम्मी जान इरफान भाई के पास आ गई है और पूछ रही है कि कौन सी दवाई लेके आया है। इरफान भाई इधर बैठे थे क्योंकि हमारे वाले रूम में क्योंकि काम करते रहते हैं इधर ही सिर्फ सिग्नल आते हैं। वो जो एक शेर ऊपर रखा हुआ है ना ये शहर के पास सिग्नल आते हैं बाकी कहीं आते भी नहीं है। जब किसी की कॉल आती है ना हमें तो इधर ही हम खड़े होकर बात करते हैं। हाँ जी पहले भी आते थे लेकिन एक बार फिर एकदम खत्म हो गए फिर ऐसी जगह पर आते हैं और जगह कहीं नहीं आते। हाँ जी चलो ये सही है। तुम सर्दियाँ आने वाले हैं ना जब अंदर सोएंगे ना तो वो प्रॉब्लम नहीं बनेगी ना बाहर जाने की। हाँ जी के अंदर बैठ के सुकून से सुकून होता है तो यहाँ पर हमारी चारपाई होती है। हाँ जी मैं रात भर भी चलाऊं सर्दियों में सुकून होता है। गर्मियों में मैं इधर पसीना पसीना होके बैठा रहता हूँ। अभी देखना गर्मियां थी फिर भी इधर वो फुल पसीना में इरफान बैठता था। ऐसे बस ऐसे होने भी जा डालेगा फिर तो शाम को भी ऐसे इधर बैठे बैठे वो पता नहीं। हाँ जी बिना हो क्या आता है बाहर जी तो ऐसे गर्मी में बैठा इनको पंखा तो नहीं चल रहा बस बैठे हो ना भी लोग वाले वो तो जल्दी बन जाते हैं जल्दी डाल भी देते हैं जी जो है ना वो ड्रामे वाले एपिसोड। हाँ जी उसको टाइम लगता है बनाने। हाँ जी हाँ जी वो काम ना वो जरा मुश्किल होती है औखा काम होता है ना। हाँ जी उतने दिन पूरा ही लग जाता है रात भी लग जाती है उसे बनाने में सेटिंग करने में तो उसकी एडिटिंग बहुत मुश्किल होती है ना। इतना मेहनत करते हैं इतना खुशी से बनाते हैं माशाल्लाह देखने वाले बहन भैया ना अभी चस नहीं कर रहे देख नहीं रहे ड्रामा चस से देख नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ जी जरा ना जा रहे ना एक किस्त मकसद हूँ तो चार दिन बाद जुमा रात होती है दो बार जाते हैं मतलब तीन दिन बाद। हाँ जी तो फिर जरा ना कुछ बरल होगा इंशाल्लाह जरूर चलेगा। और जो बात मैं पूछ नहीं हो तो भूल गई और बात तुम्हें लगा दिया। ओ इरफान बेटा मैं पूछ नहीं जो डॉक्टर के पास गए ना तो बेबी के लिए कुछ घुटियां वगैरह और दवाइयां वगैरह लेनी थी रात दी गए उनकी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए मैं जो दवाइयां मिल गई हैं और ले आया नहीं ले आया बस। ओ ऐसा है ना कि पेट दर्द और जब दूध पिलाते थे तो वो बाहर निकाल देता जी ये बच्चे को पहले पहले ऐसे हो जाता है। हाँ वो होता है ना जो अंदर गंद उबार जो होता है ना वो तो वैसे वो गंद के पानी शानी जो अंदर चला गया ना। हाँ जी तो फिर सफाई तो वो डॉक्टर ने कर ली मगर खाने पीने से ना
पहले पहले ना इन्हें थोड़ा बहुत ना बोझ बांध जाता है। हाँ जी, जो जब हम माँ का दूध पिएगा इंशाल्लाह, माँ का दूध तो है बहुत ज्यादा है। हाँ जी, वो माँ का दूध पिएगा तो फिर सेट होगा जी, ठीक होगी। तो दवाई लेने गया था, दवाई ले आया हूँ जी, बस वो अभी पिलाएंगे जी। वो दर्द के मारे बेचारा रोता रहता था, अब नहीं। हाँ, रात जब ना सुकून नहीं किया तो अभी मैं पहले थोड़ी देर पहले गई तो सुकून है तो मैंने नहीं उठाया, तो अभी हम देखते हैं जाके। हाँ, उठा होगा। वो झगड़ा किया हुआ था उसके, उसने माँ के साथ जी, दो नहीं पिला था हमने। वो सुबह फरमान मैंने कॉल किए जी मौलवी साहब को जी, उन्होंने नाम दरुद किया तो अभी जो है ना मैं गया, अभी दूध पी रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जो ना पहला दिन था ना, टीके वगैरह लग गए उनके, मकसद है गाड़ी पे आना जाना, सर में निका फुल बाल होता है ना, जैसे फुल होता है। हाँ, तो वो ना जरे कोई उधरखा वगैरह आ जाता है। हाँ जी, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, दम कराया है और भी कराएंगे, 3 दिन दम कराना है लाजमी। हाँ जी, तो अभी ज्यादा कोई मसला तो घर पे भी बुला लेना। हाँ जी, हाँ जी, तो दम कराना थोड़ी बहुत ही मैं बता रही हूँ, थोड़ी बहुत ही ऐसे तबियत हो जाती है ना, पहले पहले हम तीसरा दिन तो सारा है ना। हाँ, तो अभी ऐसे ऐसे जैसे खुराक पूरी अपना माँ का दूध पिएगा और सुकून करेगा ना, फिर ऐसा ऐसा ना सेट हो जाएगा। हाँ, ऐसा मसला नहीं होता, ये छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। चलो ठीक है, आ जाओ उधर देखते हैं। हाँ, बेटा परेशान नहीं हो, थोड़ी बहुत ही ना आप बिल्कुल परेशानी हो रही है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी तो दवाई ले आया ना, एक फॉर्म दवाई के लिए। हाँ जी, अभी अभी दूध भी पिलाया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, दवाई भी पिला दी है माशाल्लाह। दवाई दिखाना, कौन से लेके आया है, दवाई भी हम दिखा दें। चलो इंशाल्लाह सब दुआ करेंगे, आप परेशान ना। सुकून वास्ते देने हैं गुटी, जन्म गुटी, मैदा भी ठीक रहता है। हाँ, तो सुकून भी आता है। अच्छा अच्छा, ये वही दूसरे कतरे हैं जो उल्टी गैस बोझ बना हुआ है ना। हाँ जी, ये बच्चों के पेट दर्द और गैस में फौरी आराम, बिल्कुल सही है। तो जैसे इस्तेमाल करने डॉक्टर ने बताया है। हाँ जी, वो मैंने समझा दिया। अच्छा, दो दो कतरे ना, 3 बार ऐसे ना जी जी, दो दो कतरे कतरे होते हैं ना थोड़े थोड़े से। अच्छा, तो 3 बार पिलाएंगे इंशाल्लाह, शाम तक बेबी ठीक होगा। हाँ जी, दूध वगैरह जो मैंने पी लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब जो है माशाल्लाह बेबी हमारा माँ का दूध पीता है, ऐसी परेशानी भी नहीं है, क्योंकि 2 दिन इसने पिया नहीं तो परेशानी बनी हुई थी, झगड़ा कर रहा था, रात को भी रोता रहता था। और अब जो है माशाल्लाह बेहतर है, बस वो पेट दर्द की वजह से ना, तो ये मसला था। पहला बच्चा है ना, इसे पता नहीं है बच्चा, छोटा बच्चा कैसे होता है कहते हैं, मैं फोटो में बता रही हूँ ना। हाँ जी, तो ऐसे ना थोड़ी बहुत ऐसे बच्चों को हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चे रोते तो भी हैं। हाँ, जितना रोएगा ऐसे उनकी सेहत बढ़ेगी और उनका ना दिमाग सेट होगा। हाँ जी, ये समिया है ना, जब पैदा हुई ना घर में तो रात का 2-3 का टाइम होया था ना, तो ये रो ही नहीं है जो इतने दिमाग पर मसला बांध के। हाँ, ये कोई ऐसा बंदा ना समझदार जो इसे रोआ है, कोई ये करे। हाँ, नहीं है, रात का टाइम बहुत चेक का टाइम हो बस। हाँ, तो सर्दी का मौसम उस वक्त हॉस्पिटल की इतनी सहूलतें नहीं थी, घर में बच्चे पैदा होते थे, डिलीवरियां घर में होते थे, दाएं आते थे। तो कोई मसला बन जाता है तो इतना इमरजेंसी में हमारा ये समियाला केस हुआ ना, बस किसी को पता भी नहीं चला। फिर मौसम भी बहुत फुल सर्दियों वाला, पहला महीना पता नहीं फुल 12वां महीना ऐसे। हाँ, सूदे नसीब में अल्लाह ताला ने ऐसे इतना जल्द पैदा भी कर दिया और दुख भी बढ़ा दिया, कोई समझ नहीं लगी। बिल्कुल, तो मसला होता है, लेकिन माशाल्लाह जो अस्पताल में बच्चा पैदा होता है तो
टीके वगैरह जो मसला होता है तो सारा सेट हो जाता है। हाँ, डॉक्टर फौरी चेकअप कर लेते हैं आप, जैसा कि मसला था तो फौरन लेके। छोटी बहुत अस्पताल थी ना इतने, उन्हें मसला नहीं होया तो फिर बड़ी अस्पताल एमरजेंसी ले गए। हाँ। सारा कुछ बच्चे के ड्रिप लगी और टीके लगे, तो इसलिए बच्चा ना भड़का जाता है ऐसे थोड़ी बहुत। जैसे भी पैदा हुआ है ना तो उसके बाद फौरन भी लेके चले गए हैं उधर से ना, कितनी आगे आवाजें होती हैं। हाँ जी, इसलिए ना वो ऐसे डर गया। बिल्कुल, वहाँ जा लेके गए, इतने बच्चे थे ना, ट्रैफिक के शोर, बच्चे थे ऐसे ऐसे बच्चे कमजोर थे, ओ पीले पीले बाल, जिन्हें खून पानी पछाना, किसी के नासे में खून, किसी ऐसे ऐसे बीमार बच्चे, मेरा तो देख कर वो दिल छूट गया। मैं देख उनके माँ बाप के दिल में क्या होगा, कैसे। हाँ जी। कोई माँ रो रही थी, कोई बाप रो रहा था, कोई दादी दादा रो रहे थे, ऐसे ना खुद वो कोई मजमा लगा, समझ से बाहर थे। तो माशाल्लाह हमारा बेबी तो ठीक है, हमारे साथ देखे ना कितने लोगों के दुआएं हैं कि अल्लाह ने सही सलामत। हाँ जी, हाँ और ना वो इंडिया से थे इरफान भाई, आसिफा नाम था, आसिफा सिस्टर हैं हमारी इंडिया से, तो वो भी कह रहे थे कि मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे देना कौसर को स्पेशली। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सारी दुआएं हैं हर किसी की, हमारी अम्मी की, हमारी खाला, हमारे सिस्टर, हमारे भाई, अंकल, जितने भी हैं ना सब ने मसला खूब दुआएं की। अभी अभी हमारे दुबई वाली आंटी के मैसेज आया, मैंने बहुत सारी दुआएं की है, मुबारकबाद होगी सबको। अल्लाह ताला बिल्कुल कबूल कर लेता है। हाँ जी, के घर में जो दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नफलियां अदा करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हाँ, इरफान भाई आप खुश हैं? इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, चुप चुप रहते हैं ना हमें, बस थोड़ा मसला बन गया तो इसलिए दोनों मियां भी परेशान, ऐसा परेशान नहीं होगा। हाँ, और मौसम के ऐसे चेंजिंग है, आज मेरा गला फुल दुख रहा है, जैसे बुखार और पूरे जिस्म ऐसे दर्द कर रहा है, मौसम की तब्दीली ना ऐसे। मैं जब घास निकाल के आती हूँ ना, इतना फुल पसीना होता है, जब पंखे पर बैठती तो मेरा पूरा जिस्म जो टूटने लग जाता है। हाँ। ऐसे पता लग गया जो मुझे बुखार आ रहा है। हाँ, और कौसर की अम्मी को भी बुखार है, वो भी जगारा कर रही थी ना। हाँ, तो वो ना बच्चा जो सारा सुकून नहीं किया, रोता रहा, तो फिर उन्हें कौन सुकून पड़ी थी, तुम्हारा लिखिया को बोला है, वो दे दिया है। फिर अभी मैं भी वही खाता हूँ, क्योंकि मेरा भी फिर सोइए ना, ये नहीं आराम होगा, ये वो भी कमरे में सोता है, कौन सीना है ऐसे ही, तो है सारे हमारे तो बैठे है ना, तो वो जो कमरे में पंखा नहीं चलता उधर सो जाती ना, सीना आ जाता तो जिसमें जिसम खोल जाता, या इधर कोई ऊपर कपड़ा पहन लेती, कपड़ा पहन लेती ना, फिर सही हो जाता। अच्छा ठीक है, इसको दूध वगैरह पिलाओ, और पहले भी दम करवाया, इंशाल्लाह शाम को फिर करवाएंगे, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। अब इसको जो है आप सुला दें सुकून से। हाँ, बस दवाई एहतियात से, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। हाँ, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है औलाद को पालना, और जब औलाद बड़ी हो जाती है फिर उसको समझ नहीं लगती क्या माँ बाप ने तो बस हमें बहर निकाल दिया, बस ऐसे समझती है औलाद। चलो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और इसे भी नेक फरमा बरदार बनाए। सही बात, वो इतना सा बच्चा होता है, माँ बाप पालते हैं पालते हैं, फिर उनका करते हो, जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, उनका घर बनवा देते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर भी जैसे बच्चे को मर रहे, जैसे बाप को गाली दे, निकाल दे, कुछ करे, यही होती है। जैसे मैं और मेरी सिस्टर बोलते थे ऐसे क्या करते हैं, हमें जवाब देते हैं, फिर क्या करते हैं, अब पता चलता है, अब पता चल गया ना कैसे होते हैं।
फिर माँ बाप को दुख लगता है, देखो इतना सा पैदा हुआ था, हम पालते आए पालते हैं, सब लाड प्यार खाना पीना सब फरमेश सब पूरी करते हैं, आज साढ़े सात हमारी औलाद क्या किया। अम्मी के साथ ना झगड़ा करते थे, फिर अम्मी और अबू रोते थे, फिर हमें दुख होता था, अब पता चलता है कि कैसे दुख होता था इसलिए रोते थे। हाँ जी, वो बस ऐसे हो जाते हैं, बस दुआ यही करनी चाहिए, दुरूद पाक भी पढ़ना चाहिए कि अल्लाह पाक नेक फरमा बरदार बनाए। मैंने हकीकत में सुना है कि एक औरत थी, वो अपने बच्चे को दुरूद पढ़ती रहती थी, तो वो इतना नेक फरमा बरदार बना कि किसी मोहल्ले में ना किसी के औरत तक उसकी नज़र नहीं जाती थी, नज़रें झुका कर जाता था। बस्ती वाली औरतें कहती थी कि आपका बेटा हमें देखता तक भी नहीं है, इसको गरूर आ गया है, हम इसको देखने के लिए इसको भागते हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें, लेकिन वो उस दौर का था ना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई था गुलाम था, तो उसने कहा कि मैं रोज़ाना ना दुरूद पढ़ती हूँ, जब से पेट में हुआ था, जब पैदा हुआ है, अल्लाह पाक ने देखें इतना करम किया कि अब किसी पर उसकी गलत निगाह भी नहीं होती, नज़रें झुका के चलना। बच्चा था वो भी, मेरी माँ ना जब वो गोद में दूध पिलाती थी ना, कुरान पाक पढ़ती थी। हाँ जी। तो बच्चे के जहन में वो बैठता गया, जब वो चलने फिरने लगा, दो तीन साल का हो गया, तो फिर उन्हें मौलवी के पास बिठाया। हाँ जी। पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते 14 सिपारे सुना दिया। हाँ जी। इतना मौलवी खुश होया कि बेटा इतना तेरी उम्र है, तू अभी अभी तो आज पहली दफा आए हैं तो मेरे हमारे पास पढ़ने, तो इतना सिपारे अधा कुरान तू कैसे पढ़ा। हाँ। तो बच्चे ने बोला मेरी माँ जो ना मुझे गोद में दूध खिलाती थी मुझे, वो मेरी अम्मी ना हर वक्त कुरान पाक पढ़ती थी। हाँ जी। तो इसलिए मैं ना अम्मी की आवाज़ सुन के मैं पकड़ा रह गया। हाँ। 14 सिपारे ने मुकम्मल कर दिया बच्चे ने। हाँ जी। तो मायरी है ना, वो भी माया है, इसलिए कहते हैं आप भी पढ़ते रहना, जब भी इंशाल्लाह हमारा बेबी भी जल्दी सीख जाएगा। चलो ठीक है, आज जो है हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।